गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों आज हम आपकी हिंदी की पुस्तक झिलमिल का पाठ 9 भोलू की भूल पढ़ेंगे। बड़ी अच्छी सी कहानी है, चलो मैं इसे पढ़ना शुरू करती हूँ और आपको भी मेरे साथ साथ पढ़ना है अपनी किताब। एक हरा भरा बाग था, बच्चे प्रतिदिन बाग में खेलने जाते थे। प्रतिदिन का मतलब होता है बच्चों हर रोज। वहाँ दिखने वाले पशु पक्षियों को वे प्यार से किसी ना किसी नाम से पुकारते थे। जैसे आपके पेरेंट्स भी आपको घर में किसी ना किसी अलग नाम से बुलाते हैं, ऐसे ही एक दिन अचानक बच्चों की नज़र एक मोर पर पड़ी जो अपने पंख फैलाकर नाच रहा था। नाचते हुए उसका एक पंख टूटकर गिर गया। पास ही पेड़ पर एक कौवा बैठा था जिसे बच्चे भोलू कहकर बुलाते थे। भोलू को मोर का नाच बहुत अच्छा लगा। मोर नाचकर वहां से चला गया। भोलू पेड़ से नीचे आया, उसने मोर का पंख उठा लिया। रंग बिरंगे पंख पर एक छोटा सा चांद भी था। छोटा सा चांद आप देख सकते हो यहाँ पर, आपको पता है मोर के पंख के ऊपर ये डिज़ाइन बना होता है और ये बहुत सुंदर लगता है। मोर का पंख लगाकर भोलू सोचने लगा, आहा मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, मैं तो मोर बन गया। वो कौवा था लेकिन उसने मोर बनने के लिए उसका पंख भी लगा लिया और सोचने भी लगा और गाने और नाचने भी लगा। क्या गा रहा था वो? कोई कहे ना मुझको कौवा, मैं हूँ मोर, मैं हूँ मोर। वो बार बार यही कह रहा था कि वह मोर है। अब क्या हुआ, भोलू उस पंख को लगाकर भोलू घूमने निकला। उसके साथी कौओं ने उसे बुलाया पर वह उनके पास नहीं गया और बोला, मैं कौवा नहीं हूँ, मैं मोर हूँ। यह सुनकर सभी कौए हंसने लगे। फिर भोलू मोरों के पास पहुँचा। मोर उसे देखकर बोले, मोर नहीं तुम कौए हो, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। बच्चों ये बड़े ओ की मात्रा है कौवे पे, इसे हम औ पढ़ते हैं, तो कौवा कौवे। भोलू ने पंख दिखाते हुए कहा, मैं मोर हूँ। उसकी बात सुनकर मोर हंस पड़े। मोरों ने उसे चोंच मारकर भगा दिया। भोलू बहुत दुखी हुआ। वह अपने मित्रों के पास गया, उन्होंने भी उसे चोंच मारकर भगा दिया। क्योंकि जब पहले भोलू अपने दोस्तों के पास जा रहा था, वो उसको बुला रहे थे तो वो वहाँ नहीं गया, उसे लगा वो मोर है तो इसीलिए मोर के पास जाएगा, और मोरों ने भी अब उसको भगा दिया। हार कर भोलू ने पंख निकाल कर फेंक दिया। फिर वह कौओं से बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं मोर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा मित्र कौआ हूँ। सब कौओं ने कहा, फिर कभी अपने साथियों को छोड़कर मत जाना। और इस तरह से ये कहानी यहाँ ख़त्म हो गई। इस कहानी से बच्चों हमें क्या शिक्षा मिलती है, सोचिए आप। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें किसी दूसरे की तरह दिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना जो हाल भोलू का हुआ वही सबका होगा। भोलू कौवा था और वो ज़बरदस्ती मोर बनने लगा, तो ना वो कौओं के पास जा सकता था और ना ही मोरों ने उसको स्वीकार किया। इसीलिए जो हम हैं हमें वही रहना चाहिए, दूसरे के जैसे दिखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आप देखो बच्चों आज आपको ये शब्द अर्थ करने हैं कॉपी में, ठीक है। प्रतिदिन यानी हर रोज़, बाग यानी बगीचा, कोशिश यानी प्रयत्न, बहुत यानी अधिक, आपको ये अपनी कॉपी में करने हैं। और इससे आगे का सारा काम मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊंगी, ठीक है बच्चों।